दो दोस्त लोन न भर सके तो रच डाली गाड़ी लूट की साजिश, अब आए पकड़ में। पूरी खबर जानने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली सार ब्रेकिंग न्यूज 2.0। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। अब चलते हैं खबर की तरफ। हाशी पुलिस ने दो ऐसे व्यक्तियों को धर दबोचा जिन्होंने अपनी गाड़ी की लूट की साजिश रच डाली थी। अब पुलिस ने जब इन दोनों को गिरफ्तार कर जब गैंता से पूछताछ की तो इसका खुलासा हुआ। इन दोनों की पहचान जोगेंद्र और सुरेंद्र के रूप में हुई है। पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को दो दिन के रिमांड पर लिया है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि इन दोनों ने अपनी गाड़ी का एक फाइनेंस कंपनी से लोन लिया हुआ था। यह गाड़ी इन दोनों ने लोन पर तो ले ली, लेकिन उसकी समय पर किस्त नहीं भर पाए। गत 29 जुलाई को सैनीपुरा फ्लाईओवर के पास इन दोनों ने झूठी कहानी रच दी कि दो मोटरसाइकिलों पर 6 युवक आए और उनकी गाड़ी लूट कर ले गए। हालांकि उस समय इन दोनों ने 112 नंबर पर कॉल कर पुलिस को मौके पर बुला लिया था। जब पुलिस ने बदमाशों की लोकेशन के साथ अन्य कई बातों की जानकारी ली, लेकिन उस समय खुलासा नहीं हो सका। पुलिस ने अपनी जाँच जारी रखी। बाद में जब पुलिस ने इन दोनों से बदमाशों के हुलिया वगैरह बारे जानकारी देने के लिए बुलाया तो ये बयानों को बदलते रहे। इस पर पुलिस को शक हुआ। सिसाई पुलिस चौकी ने इस मामले की गहनता से जांच की तो सच्चाई का पता चला। पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो जोगिंदर व सुरेंद्र ही साजिशकर्ता निकले, जो दोनों दोस्त हैं। रिमांड के दौरान आरोपियों से गहनता से पूछताछ कर गाड़ी बरामद की जाएगी। वहीं हिसार और हाशी पुलिस ने शनिवार रात्रि को नाइट डोमिनेशन अभियान चलाया। हिसार पुलिस ने जिले के विभिन्न स्थानों को चिन्हित करके विशेष नाकाबंदी की गई। इस दौरान करीब 1479 वाहनों की गहनता से तलाशी ली। उधर हाशी जिला पुलिस ने डोमिनेशन के दौरान जिले में नाकाबंदी कर वाहनों की गहनता से जांच की गई। इस रात्रि नाइट डोमिनेशन के दौरान पुलिस ने 1253 वाहनों को चेक किया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।